हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जी के। माई सेल्फ अंजलि रामदेव और आज हम बात करेंगे नाबार्ड ग्रेड ए के कंप्यूटर अवेयरनेस सेक्शन के बारे में, जो कि ये लास्ट 3 साल के पेपर हैं, सॉल्व पेपर हैं। तो आप हमारे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी यूट्यूब में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे नाबार्ड के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे नाबार्ड को कोर्स के परचेस कर सकते हैं, जिसके कोर्स का प्राइस 999 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आपको इसमें कंप्लीट सिलेबस आप प्रोवाइड कराया जाएगा, लास्ट 3 इयर्स के सॉल्व पेपर है, टेस्ट सीरीज़ है और कोर्स की वैलिडिटी अप टू 6 मंथ तक की है। अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जहां से आप डायरेक्ट कोर्स को परचेस कर सकते हैं। या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप हमें डायरेक्ट वहां से व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप 3 साल के सॉल्व पेपर को देखना चाहते हैं तो उसकी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो, हम जो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे कि क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स अबाउट द हाइपरलिंक्स इन एमएस वर्ड। तो आपको बताया है कि इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं उधर पे, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा, डायरेक्ट आंसर दे दिया है। तो ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा गलत है हाइपर लिंक्स में, एमएस वर्ड में। तो वो है, हाइपर लिंक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड एंड इटैलिक्स, ठीक है, तो ये रॉन्ग है, फाल्स है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 इज़, फिल इन द ब्लैंक्स डायरेक्ट्स अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क दैट आर स्पेसिफाइड इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट जो एक प्रकार का कंपोनेंट है कंप्यूटर में, जो कि टास्क को परफॉर्म करता है, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 इज़, विच एमंग द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, उनके हार्डवेयर। तो इनमें से कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन कौन सा है, तो वो है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, अनवांटेड मेल्स रिसीव्ड इन यूज़र्स अकाउंट आर कॉल्ड एज। जो अनवांटेड मेल्स हैं, जो कि यूज़र्स अकाउंट में रिसीव होते हैं, उन्हें हम स्पैम मेल्स कहते हैं। एंड नेक्स्ट, विच ऑफ दीज गिव्स कंटिन्यूअस सप्लाई टू पीसी, तो ट्रू। एंड देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, विच 3 PSUs आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल अकॉर्डिंग टू द पब्लिक एंटरप्राइजेज सर्वे 2018-19। तो किसमें से इसमें 3 जो है वो PSUs मोस्ट प्रॉफिटेबल हैं अकॉर्डिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस सर्विस 2018-19 के, तो वो है ONGS, IOC एंड NTPC। ओके, द आ वायरस दैट फूल्स टूल्स द यूज़र टू डाउनलोडिंग एंड और एग्जीक्यूटिंग दैम बाई प्रिटेंडिंग टू बी यूजफुल एप्लीकेशन इज कॉल्ड इट ट्रोजन हॉर्स, बोला जाता है उसको। एंड वॉट इज़ अ लॉजिकल एड्रेस असाइन टू अ PC, प्रिंटर, रूटर एक्सेट्रा और नेटवर्क। तो इनमें से जो लॉजिकल एड्रेस है असाइन किया जाता है PC से, प्रिंटर हो गया, रूटर हो गया, वो कैसे है, तो वो IP एड्रेस है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ स्टॉप्ड द नीति आयोग्स एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म्स इंडेक्स 2019। तो जो इसमें हाईएस्ट स्टेट है, स्टेट जो टॉप रैंक पे है, वो है महाराष्ट्र। नीति आयोग में हम नीति की बात करेंगे, नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में है। ओके, एंड देन हम नेक्स्ट बात करेंगे, तो व्हाट इज़ द एम ऑफ द डे स्टैंड्स फॉर दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। तो इसका जो मेन एम है वो है पावर्टी एलिवेशन का, ठीक है। तो जो NRLM की, सिर्फ NRLM की बात करें तो उसको लॉन्च किया गया था 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इज़,
कोल्ड बूट इज डन फैन, जो कोल्ड बूट है वो डन है, कब किया जाता है? वी प्रेस द पावर बटन ऑफ द कंप्यूटर, जब हम पावर बटन की कंप्यूटर की पावर बटन को प्रेस करते हैं तब कोल्ड बूट डन होता है। एंड देन एन एग्जांपल ऑफ पैन इज, जो एग्जांपल है पैन का वो है ब्लूटूथ, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप्ड बाय BARC, वो है भाभा कवच, जो है इंडिया की लाइटेस्ट बहुत ज़्यादा हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है। ओके, व्हेन वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट टाइम पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई थी वो की गई थी 1986 में। व्हेन इज़ द संसद आदर्श ग्राम सड़क योजना लॉन्च, तो जो संसद आदर्श ग्राम योजना लॉन्च की गई थी, सड़क ग्राम योजना, ओके, उसे 2014 और 15 में स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया था। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करें तो उसे दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम सड़क योजना लॉन्च की गई थी 2014 और 15 में, और हम बात करें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, वो लॉन्च किया गया था दिसंबर 2000 में। एंड आ प्रिंटर दैट कैन नॉट प्रिंट द ग्राफिक्स, एक प्रिंटर जो कि ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकता वो है डेजी व्हील प्रिंटर, ठीक है। ये जो एक प्रकार का प्रिंटर है जो कि ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं करता है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट इज़ नॉट प्रेजेंट विद द MS Excel, इनमें से जो कौन सा चार्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता किसमें, MS Excel में, तो वो है डॉट चार्ट, ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, तो DDU ग्रामीण कौशल्या योजना को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, वो किया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। ये नेक्स्ट है, स्वस्थ धरा खेत हरा इज द स्लोगन ऑफ विच स्कीम, जो स्वस्थ धरा खेत हरा जो स्लोगन है वो सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम की स्कीम का स्लोगन है। ओके, और सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी, स्टार्ट की गई थी फरवरी 2015 में। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे तो व्हाट इज़ DPI इन प्रिंटिंग में, DPI क्या है, तो DPI प्रिंटिंग में है डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच रेफर्स टू द रेजोल्यूशन आउटपुट ऑफ द प्रिंटर और इमेजेस, तो DPI एक प्रिंटर में क्या होता है, रेजोल्यूशन होता है जो कि हमें प्रिंटर देता है या आउटपुट देता है इमेजेस में। ओके, एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिफाइंस द एड्रेस ऑफ द वेब पेज, ये जो कोई भी कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स का जो कि हमें एड्रेस को वेब पेज में दिखाई देता है, आप देख कभी सर्च करते हो तो वो डिफाइन करता है, वो क्या होता है URL, और URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो है वेयर वॉज द 6th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑर्गेनाइज, जो 6th वर्ल्ड कांग्रेस रूरल और एग्रीकल्चर फाइनेंस में ऑर्गेनाइज किया गया था, वो किया गया था इंडिया में, ठीक है। एंड हम नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ रूरल रोड स्कीम, तो रूरल रोड स्कीम का जो नेम है वो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उससे लॉन्च किया गया था दिसंबर 2000 में, इसके बारे में मैंने पहले क्वेश्चंस में भी बात की है। विच क्रॉप इज़ नोन एज वाइट गोल्ड, किस क्रॉप को हम वाइट गोल्ड के नाम से जाने जाता है, तो वो है कॉटन को, ठीक है। और येलो ज्वेल की बात करेंगे तो उसे सोयाबीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सोयाबीन को क्रॉप को येलो ज्वेल के नाम से जाना जाता है, और कॉटन को वाइट गोल्ड अमेरिका में कहा जाता है, ठीक है। इसका बोटेनिकल नेम गॉसिपियम स्पीसीज है, मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है, और मैक्सिको इसका ओरिजिन है। ओके, एंड नेक्स्ट जो बात करेंगे प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम आर रिलेटेड टू विच स्कीम, तो जो PSS है वो प्राइस डेफिशिएंसी जो पेमेंट स्कीम है वो किस स्कीम से रिलेटेड है, तो वो है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, मतलब प्रधानमंत्री आशा से ये स्कीम से रिलेटेड है। The high speed internet connection using phone line and allows users to use the phone for voice communication at the same time, तो high speed किसी भी internet connection की जो हम phone line में बात करते हैं एक ही time में बहुत सारे लोग communication करते हैं, वो है DSL, digital subscriber line।
विच स्कीम एश्योर्स 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी टू एडल्ट हाउस होल्ड? तो कौन सी स्कीम है जिन्होंने 100 डेज एम्प्लॉयमेंट देने की गारंटी की है एडल्ट हाउस होल्ड को, जिसने भी घरों में एडल्ट हैं ना 18+ है, उनको क्या करने के लिए 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट देंगे? वो स्कीम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये इसे मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ओके, एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसे लॉन्च किया गया था गरीब कल्याण के लिए। व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर द ग्रॉस वैल्यू एडेड इन 2018-19 एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020? तो ये जो अप्रॉक्स है उस पर जो आंसर है उस पर 55 दिया है, लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी वो है 54.3% जो शेयर है सर्विस सेक्टर में है ग्रॉस वैल्यू का 18-19 में और एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2020। हाउ मच डिस्काउंट इज गिवन ऑन परचेज ऑफ कंबाइंड हार्वेस्टर? जब कंबाइंड हार्वेस्टर को परचेस किया जाता है तो उसमें कितना परसेंट डिस्काउंट दिया जाता है? वो है 40%। ओके, नेक्स्ट जो है, अकॉर्डिंग टू मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट हाउ रेन रिफर्स टू अ रेनी डे? एक रेनी डे हम किसे रिफर करेंगे जिसमें 2.5 मिलीमीटर क्या होगी रेन होगी, उसे हम रेनी डे रिफर करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है, वेयर वॉज द फिफ्थ पल्सेस कॉन्क्लेव 2020 ऑर्गेनाइज? तो जो पल्स कॉन्क्लेव जो ऑर्गेनाइज हुआ था 2020 में, वो हुआ था महाराष्ट्र में। ओके, द व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स चीपेस्ट गन सूट लोकेशन? तो इसमें जो सबसे चीपेस्ट गन सूट लोकेशन है वो वर्ल्ड में क्या नाम है उसका, वो है पार्थ। एंड नेक्स्ट जो बात करें हम, व्हाट इज़ द एज एलिजिबिलिटी ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, फी नहीं है दर पे मानधन योजना की जो एज एलिजिबिलिटी है वो 18-14 ईयर है, और इसे जो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था एट रांची में, जो कि कैपिटल है झारखंड की, ठीक है? और इसका जो एश्योर्ड करती है ये मंथली पेंशन 3,000 रुपीज़, जो भी लैंड होल्डिंग जिनके पास स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको 3,000 रुपीज़ पर मंथली इनको पेंशन देती है। Which of the following statements is not true about प्रधानमंत्री किसान योजना? तो किसान योजना के अंदर पे जो स्कीम है वो 6,000 रुपीज़ फार्मर्स को देती स्टार्टेड ऑफ द ईयर, तो ये स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। Which organization releases the AMFR index? तो नीति आयोग जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन को AMFR को इंडेक्स को रिलीज करता है, ठीक है, नीति आयोग। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटर? जो कंप्यूटर में लॉजिकल यूनिट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कंपेयरिंग नंबर्स इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर, जो नंबर्स को कंपेयर करना उसकी सीपीयू की कंप्यूटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स इन द एमएस एक्सेल दैट सेज दैट द रिजल्ट्स आर सो टू लॉन्ग टू फिट इन द सेल? तो हैशटैग जो है वो हमें दिखाई देता है एम एस एक्सेल में, जो कि रिजल्ट को ज़्यादा देर तक उसको फिट नहीं कर सकता, ठीक है, फिट करने में हमको दिखाई देता है। एंड विच इज़ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? का जो इंटरनेशनल ईयर है वो है 2023। एंड देन नेक्स्ट जो है वो है, ब्रीड ऑफ सीप इज़ यूज फॉर कारपेट? आपको ऑप्शन दिए हैं, तो सीप है उसमें कारपेट, कौन सी सीप की ब्रीड है जो कि हम जो कारपेट बनते हैं घरों में उसके लिए यूज़ करते हैं, वो है चोकला। एंड आ फार्मिंग क्रॉपिंग मेथड इन्वॉल्विंग एन इनपुट ऑफ रिसोर्स एंड लेबर इन द सेम फील्ड लैंड, ये एक फार्मिंग जिस तरीका का क्या करते हैं हम सेम फील्ड में इनपुट करते हैं रिसोर्सेज के लिए और लेबर्स का यूज़ करते हैं सेम लैंड में, तो उसे हम बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग। और इंडिया में जो मोस्टली की जाने वाली फार्मिंग है वही इंटेंसिव फार्मिंग है, क्योंकि इंडिया में जो लैंड होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो लोग इंटेंसिव फार्मिंग का यूज़ करते हैं और इसे कल्टीवेशन के लिए एरिया छोटा होता है इंटेंसिव फार्मिंग के लिए, ठीक है।
ओके देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द टर्म टिपिंग इज रिलेटेड टू विच क्रॉप। जो टर्म टिपिंग है वो किससे रिलेटेड है, वो टी से रिलेटेड है, ठीक है। ओके और जो हम टी में टिपिंग करते हैं उसमें जो फर्स्ट टिपिंग की जाती है वो जब टी की हाइट 35 सेंटीमीटर होती है हम तब उसकी टिपिंग करते हैं, और सेकेंड टाइम पे जब ग्राउंड से सेकेंड टिपिंग तब करते हैं जब उसकी जो हाइट होती है ग्राउंड से 60 सेंटीमीटर होती है। ओके एंड देन नेक्स्ट हम बात करेंगे विच सॉइल हैज़ द बेस्ट वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, दैट मीन्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस सॉइल की ज़्यादा होती है, तो वो है क्ले सॉइल की। क्ले सॉइल की जो पोरोसिटी होती है, सॉइल पोर स्पेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, 58% होते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट बात करेंगे यूनिट टाइम इन विच डाटा कैन बी रीड फ्रॉम और रिटर्न टू मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस इज रेफर्ड टू एज थ्रूपुट, ठीक है। जो यूनिट टाइम है जिसमें डाटा को रीड किया जाता है फ्रॉम और रिटर्न टू मेमोरी स्टोरेज में, वो थ्रूपुट है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड IMF लोअरिंग टू GDP फॉरकास्ट फॉर इंडिया शार्पर देन एक्सपेक्टेड स्लो डाउन इन लोकल डिमांड एंड स्ट्रेस इन द NBFCs, ठीक है। ओके नेक्स्ट जो है हमारा व्हाट इज़ द GDP ग्रोथ रेट फॉर इंडिया फॉर 2019-20 इन द IMF's वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट है GDP में वो कितना था, वो था 4.8% था। व्हाट इज़ द टोटल एस्टिमेशन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर 2019-20 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर खरीफ क्रॉप्स फॉर 2019-20 रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। तो जो टोटल एस्टिमेशन है प्रोडक्शन फूड ग्रेन प्रोडक्शन का 2019-20 में, ठीक है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स प्रोडक्शन का मेजर खरीफ क्रॉप्स में, वो एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से रिलीज किया गया था फार्मर्स वेलफेयर के थ्रू, वो था 140.57 मिलियन टन्स। एंड देन नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि R स्टैंड फॉर इन फुल फॉर्म ऑफ गोबर स्कीम। तो पहले हमें गोबर स्कीम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। गोबर जो स्टैंड फॉर गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स थन, तो R स्टैंड फॉर रिसोर्सेज, ठीक है। Which of the following picture has become the first non-English language film to win Best Picture Oscar? So इसमें से जो कौन सी बेस्ट पिक्चर है जो कि फर्स्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म है और जिन्होंने पिक्चर ऑस्कर पे प्राइज को भी विन किया था, वो है पैरासाइट। MSP और द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स आर बेस्ड ऑन विच क्राइटेरिया, जो MSP दिया जाता है। अब MSP, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन देता है, वो है CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है। और ये किस बेस पे, किस क्राइटेरिया पे डिसाइड होता है, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केटिंग के बेस पे, मार्केट्स के बेस पे। एंड विच स्टेट इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, का जो हाइएस्ट प्रोड्यूसर है सबसे ज़्यादा है वो है वेस्ट बंगाल। और वीट की बात करें कि जो वीट का है ना हाइएस्ट प्रोड्यूसर वो है UP। एंड हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विथ 55th जनपथ अवॉर्ड फॉर द ईयर 2019। तो किसने 55th जन, ठीक है, जनपथ में अवार्ड में लिया था 2019 में, तो वो है आकुथम नंबूथिरी, ठीक है। विच इज़ द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट दैट कैन एन AK-47 बुलेट अटैक, तो बुलेट प्रूफ हेलमेट कौन सा है, वो है अभ्यदे, ठीक है। नेक्स्ट जो है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पॉलिसी 2018 aims to double the farmers' income by 2022 by increasing the exports $60 billion by 2022. Which soil has a self-plowing property? कौन से self-plowing property है, वो black soil की। और black soil जो है उसमें क्या होते हैं, बट्टी soil order में आता है, तो इसमें self-plowing प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कॉटन का कल्टीवेशन किया जाता है, इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है।
एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 56 का, सनफ्लावर इज ग्रोन मैक्सिमम इन विच स्टेट? तो कर्नाटका में सनफ्लावर को बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, और जो सनफ्लावर है वो फोटोट्रॉपिज्म का एक एग्जाम्पल है, इसको भी याद रखिएगा। विच इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का जो थीम है वो क्या है? वो है लर्निंग फॉर पीपल, पीपल के लिए लर्निंग, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का है। वॉट इज़ द न्यू नेम ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस का न्यू नेम क्या है? COVID-19। ठीक है, विच फिश लिव्स इन फ्रेश वाटर, वट ब्रीड्स इन सॉल्ट वाटर? सो इनमें से जो कौन सी जो फ्रेश वाटर में फिश रहती है लेकिन ब्रीड्स करती है सॉल्ट वाटर में, वो है कैटरड्रोमस फिश। ठीक है, आप इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूँ, आप हमारी यदि नाबार्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की क्लासेस को देखना चाहते हैं ना, तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से हमारी क्लासेस को देख सकते हैं नाबार्ड की जो चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड एन MOU इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल फिशरी सेक्टर? तो इनमें से जो इंडिया ने साइन किया था MOU फील्ड में सस्टेनेबल फिशरीज सेक्टर में, वो है आइसलैंड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन RBI इंट्रोड्यूस द रेगुलेशन फॉर बिजनेस कोरिस्पोंडेंट मॉडल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन? तो जब RBI जो है उसने इंट्रोड्यूस किया था रेगुलेशन फॉर बिजनेस के लिए, वो था 2006 में। तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कीजिएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। विच इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया? तो इंडिया की जो सबसे फर्टाइल सॉइल है वो है एल्यूबियल सॉइल। एल्यूबियल सॉइल जो है वो डेल्टा के पास फॉर्म होती है। इसके अलावा इसके दो जो एल्यूबियल सॉइल है इसके दो फॉर्म है, एक खादर और एक भांगर। एंड नेक्स्ट हम जो बात करेंगे, माइक्रो इरिगेशन इज डन इन लार्ज स्केल इन विच स्टेट? तो माइक्रो इरिगेशन का लार्ज स्केल में किस स्टेट में डन किया जाता है? वो है पहले राजस्थान में सबसे ज़्यादा, देन महाराष्ट्र और देन आंध्र प्रदेश। एंड देन क्वेश्चन नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्रॉपिंग पैटर्न इन विच प्लांट्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रोज विच एड्स इन न्यूट्रिशन? तो जो प्लांट्स हैं ना उनको अलग अलग डिफरेंट रोज में लगा देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, ताकि उनमें क्या कर सकते हैं, प्रॉपर से न्यूट्रिशन उनको दे सके, है ना। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सोनोपस ग्रास इज ऑल्सो नोन एज? एक्सोनोपस ग्रास है उसको हम ब्लैंकेट ट्रास या कारपेट ट्रास भी बोलते हैं। जो कारपेट ट्रास होती है ना, लाइक आपको वहाँ पे ग्रास टाइप को लगता है, तो उसको हम एक्सोनोपस ग्रास भी बोल सकते हैं। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच कमिटी रिकमेंडेड फॉर डेमोक्रेटाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन विच लेटर कम टू बी नोन पंचायती राज? तो इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने रिकमेंडेट किया था डेमोक्रेटाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन विच अ लेटर कम टू बी नोन पंचायती राज के नाम से, जो कि बाद में जाना लगा, वो है बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट है द मैक्सिमम एल्यूबियम सॉइल इज़ प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया? तो जो एल्यूबियम सॉइल है जो इंडिया में प्रेजेंट है वो सबसे ज़्यादा है नॉर्थन प्लांट पार्ट में और वेस्टर्न घाट्स में ये पाई जाती है। एल्यूबियल सॉइल जो है आपको पता है कि ये डेल्टा के पास इसका फॉर्मेशन होता है, इसे दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक खादर और एक भांगर में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेगा फूड पार्क स्कीम, ओके इसमें आंसर नहीं दिया है, तो इसका आंसर होगा जो ये स्कीम है उसे लॉन्च किया गया था 2008-09 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है वहाँ पे जो फूड वेस्टेज हो रहा है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, मेगा फूड पार्क स्कीम का इसका एम था, एम है। एंड देन हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पार्टुगल? पार्टुगल का जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सोजा डी सोजा। ठीक है, एंड रिसेंटली RK पाचौरी पास अबे ही वॉज द फार्मर चीफ ऑफ विच कंपनी? तो जो रिसेंटली RK पाचौरी जो है वो पास्ट हो गए, डेथ हो गए, एंड अभी जो ही वॉज द फार्मर चीफ, जो फार्मर चीफ थे वो किस कंपनी के थे? तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के थे।
विच क्रॉप इज नोन एज एलिफेंट ग्रास के नाम से कौन सी क्रॉप जानी जाती है, वो है नेपियर ग्रास। इसे हम सैनक्रस परप्यूरियस स्क्विमस भी बोलते हैं या उजेंटा ग्रास भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डज द रिटेल इन्फ्लेशन रीज एट 5 ईयर हाई ऑफ 7.35%, वो है किस ईयर में है, ठीक है, रिटेल जो था इन्फ्लेशन हुआ था तो दिसंबर में। नेक्स्ट जो है, विच व्हाट इज इंडियाज जीपी ग्रोथ रेट फॉर 2019-20 बाय वर्ल्ड बैंक, जो जीपी ग्रोथ रेट थी वो कितनी थी, वो है 5%। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इज़ यूपी, मैंने आपको बताया था। और वीट में जो चपाती मेकिंग की जो क्वालिटी है वो ग्लूटीन के कारण आती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो वीट की कल्टीवेटेड स्पीसीज़ है वो है ट्रेटिका मैसिवम, जिसे हम लोग 87% to 90% एरिया में से ग्रो किया जाता है। एंड देन विच एलिमेंट कॉजेज स्वीटनेस इन शुगर केन, जो शुगर केन है, ठीक है, शुगर केन का हम जो स्टम को खाते हैं तो उसकी जो हमें स्वीटनेस होती है वो सुक्रोज के कारण होती है, ठीक है, सुक्रोज के कारण हमें उसका मीठापन लगता है। एंड देन हु इज़ द कैप्टन ऑफ इंडिया U19 क्रिकेट टीम, कौन है क्रिकेट टीम के कैप्टन, वो है प्रियम गर्ग। ग्राफ्टिंग मेथड इन लीची, लीची में जो ग्राफ्टिंग मेथड है वो है एयर लेयरिंग या एयर ग्राफ्टिंग की जाती है। ओके, तो लीची के बारे में बात कर लें हम, तो लीची कॉमनली जानी जाती है सिंगल सीडेड नट के नट से, और लीची का जो बोटेनिकल नेम है वो है लीची साइनेंसिस। इस जो फैमिली से बिलोंग करता है वो सैपेंडेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका जो ओरिजिन है वो है चाइना, और इसमें जो रेड पिगमेंट होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। एंड नेक्स्ट जो है, व्हाट इज़ इंडियाज़ जीडीपी फोरकास्ट फॉर 2019-20 बाय UNWESP के थ्रू, जो इंडिया का जो जीडीपी है वो फॉरकास्ट हुआ था वो कितना था, वो है 5%। एंड यहाँ पे हमारे जो 80 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको कोई डाउट नहीं होगा और आपने इंजॉय किया होगा। एंड नेक्स्ट जो आपका जो हम आपको कुछ बता दें, तो आप यदि हमारे इफ़को के कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसका प्राइस 1,999 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। आप चाहें तो उसे परचेस कर सकते हैं। आपको इसमें कंप्लीट सिलेबस दिया जाएगा, डाउनलोडेबल प्रिंटेबल नोट्स दी जाएंगे, वीडियो दी जाएगी आपको रिकॉर्डेड, एंड लास्ट 3 ईयर्स के सॉल्व पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी। इसकी जो वैलिडिटी है वो 9 मंथ्स तक की है। यदि आप हमारे कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन से जाके उसे परचेस कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जाके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहाँ पे कुछ ई बुक्स दी गई है जो कि आपको डाउनलोड करके आप उन्हें पढ़ सकते हो ऑफलाइन भी। सो आपको ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो थैंक यू।